नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे टाटा एस गोल्ड सीएनजी के बारे में। क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फंक्शंस इसमें मिलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, कितना स्पेस इस गाड़ी में मिलता है उसके बारे में हम डिटेल्ड में बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर हमारे पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही फर्दर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे शो हो रहा होगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। फ्रंट की प्रोफाइल पहले कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फ्रंट की प्रोफाइल मिलती है उसमें आपको हैलोजन में टर्न इंडिकेटर्स, और वहीं आपको हैलोजन में ही आपको हेडलैम्प्स की यूनिट आपको देखने को मिलती है। काफ़ी प्यारी सी यूनिट आपको लगती है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। स्माइली सी जो ग्रिल है वो आपको देखने को मिलती है। टाटा का ब्रॉड सा लोगो आपको देखने को मिलता है। एक रिफ्लेक्टर टेपिंग का यूज़ किया गया है गाड़ी के चारों ओर, और वहीं पर आपको फॉग लैम्प की जगह आपको रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, और नंबर प्लेट की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। दो वाइपर आपको देखने को मिलते हैं, हालांकि वॉशर की यूनिट आपको इसमें नहीं दी गई है। सीएनजी का आपको लोगो देखने को मिलता है, फास्टैग आपको देखने को मिलता है। जब आप गाड़ी परचेज करते हो, खरीदते हो, तो आपको फास्टैग इंस्टॉल करके दिया जाता है। बाकी यहाँ पे चेसिस नंबर और फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका कस्टमर असिस्टेंस सेंटर जो है टोल फ्री, वो आपको देखने को मिलता है। बेसिकली टाटा एस गोल्ड सीएनजी कॉमर्शियल व्हीकल है, तो आप इसको कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हो। प्राइवेट अगर आप यूज़ करना चाहो तो प्राइवेट इसका ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, लेकिन कॉमर्शियली लेने के बाद इसको आप प्राइवेट भी अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो। बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो दो सिलेंडर का आपको इसमें 700 cc का आपको इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। गैस इंजेक्शन आपको इसमें ऑफर किया गया है। 19.4 की मैक्स पावर जनरेट करके देता है, 51 Nm का टॉर्क जनरेट करके ये गाड़ी देती है। तो ये कुछ इसके प्रोफाइल है। बाकी साइड की प्रोफाइल कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ORVMs दिए गए हैं वो रगेड फिनिश में आपको दिए गए हैं। CNG प्लस की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। डोर ओपनर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और MPGI इंजेक्शन जो आपको इसमें है, टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, वो आपको देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। सीएट के टायर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। टायर रेशियो की बात कर ले तो 145R12 के आपको इसमें जो हैं वो देखने को मिलते हैं। रिम LT86x84 आपको इसमें सीएट के टायर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये हालांकि आपको इसमें ट्यूबलेस इसमें दिए गए हैं। बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की गई हैं। बात करें इसके क्लच की, तो सिंगल प्लेट आपको इसमें ड्राइव फंक्शन डिफार्ग्राम आपको टाइप में जो है वो क्लच प्लेट जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। बाकी अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यस, ये CNG वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको 18 kg का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। वहीं बात करें अगर लीटर्स में, तो वहाँ पे आपको मिलता है 105 L का जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। रेयर से चलते हैं, रेयर की प्रोफाइल कैप्चर करते हैं। तो ये है इसकी कुछ रेयर प्रोफाइल। रेयर प्रोफाइल में आपको यहाँ पे सेफ्टी के तौर पे एक जो है वो रेड कलर का रिफ्लेक्टर आपको गाड़ी के चारों ओर देखने को मिलता है। हैलोजन में ही आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट आपको देखने को मिलती है, सिंगल पीस, और ब्रेकिंग लाइट आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाती है। और रेयर प्रोफाइल की बात करें तो लोअर पार्ट में आपको यहाँ पे एक स्टेपनी दी गई है, स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे एक देखने को मिल जाता है। और गाड़ी का एग्जॉस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे कुछ गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है वो देखने को मिल जाता है। CNG की जो प्लेसमेंट, जो टैंक की प्लेसमेंट है वो कुछ यहाँ पे की गई है, तो वो भी काफ़ी अच्छी है, वो चेकआउट आप कर सकते हो। तो ये कुछ इसकी अच्छी बातें हैं। बाकी कुछ आपको यहाँ पे जो है वायर्स के साइंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे ये सब लाइट के वायर हैं। और बात करें इसके डोर जो इसका बूट ओपनर है, तो वो कुछ यहाँ से ऐसे ओपन होता है, और इसका जब ये आप ऐसे करेंगे तो ये कुछ ऐसे ओपन हो जाता है। तो ये कुछ इसकी बातें हैं। बाकी स्विफ्ट ट्रक्स की अगर आपको यहाँ से कोई भी क्वायरी चाहिए तो यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ से आप इसके जो नंबर्स हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हो।
तो ऐसे कुछ लॉक हो जाता है ये। बाकी यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं, अगर आप कुछ ज़्यादा सामान लगेज कैरी लोड करना चाहते हो तो वो आप हुक्स में फंसा के आप कर सकते हो। बाकी ये एक एयर एग्जॉस्ट दिया गया है यहाँ पे। और गाड़ी के अंदर चल रहे हैं, अंदर से हम आपको बताते हैं कि अंदर से और क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस इस गाड़ी में दिए गए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे अगर हमारी पहली बार हो तो चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टाटा एस गोल्ड जो है वो दो कलर ऑप्शन में आती है, एक आपका ये वाइट कलर है और एक आपको मेटेलिक आपको कलर आपको देखने को मिल जाता है, वो कलर आपको यहाँ पे कहीं शो हो रहा होगा। कीस से शुरू करते हैं, तो कुछ इस टाइप की आपको कीस देखने को मिल जाती हैं, दोनों ही आपको नॉर्मल की ऑफ़र की गई हैं इस टाटा एस गोल्ड में। और यहाँ पे आपको जो है वो आप जब विंडो रोल इन करके आपको उतारना चढ़ाना रहता है, और एक आपको डोर ओपनर जो है हार्ड प्लास्टिक में देखने को मिलता है, वहीं पे ग्रैब हैंडल ओल्ड स्कूल टाइप का, यहाँ पे विंडो अप एंड डाउन का सिग्नेचर जो है वो देखने को मिलता है। ये है इंडिया के कॉमर्शियल व्हीकल की पहचान। बाकी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, तो यस अंदर आते ही आपको काफ़ी ऊंचा आपको सिटिंग पोस्चर जो है वो देखने को मिल जाता है, और थर्ड जो है इस गाड़ी का वो काफ़ी अमेजिंग है, तो एक नंबर है भाई। बाकी यहाँ पे जो है वो आपको स्टेयरिंग जो है वो देखने को मिलता है राउंड शेप में। और बात करें तो सबसे पहले इसके एक बार ऑडोमीटर को ऑन कर लेते हैं, तो की कुछ यहाँ पे इसकी इंसर्ट जो है वो हो जाती है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ ऐसे यहाँ पे इसकी जो की है वो इंसर्ट हो जाती है, और कुछ इस तरीके का आपको जो है ऑडोमीटर यहाँ पे निकल के आता है इस गाड़ी का, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको फ्यूल के इंडिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं इस साइड में, और यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर के कूलिंग के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ऑडोमीटर आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, और रिफ्यूल और फ्यूल वार्निंग की लाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ इसकी गाड़ी की खास बातें हैं। बाकी ट्रिप पे ट्रिप भी आपको सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कुछ आपको वार्निंग लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, ट्रिप ए देखने को मिलता है, ट्रिप बी देखने को मिलता है, ऑटो देखने को मिलता है, बस तीन चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। क्लॉक के इंडिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुछ वार्निंग लाइट्स आपको इस गाड़ी के इस तरफ देखने को मिलती हैं, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे दिया गया है जो स्पीड आपकी गाड़ी की मेजर करके वो आपको यहाँ पे बताएगा। बाकी सारा डैशबोर्ड जो है इस गाड़ी का रफली सा दिया गया है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है हर जगह, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। और बात करें तो यहाँ पे जो है कुछ आपको जो है वो आपको एक कूलेंट ऑप्शन देखने को मिलता है। इस गाड़ी का जो इंजन है वो ड्राइवर साइड सीट के नीचे ही दिया गया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। बाकी कॉमर्शियल व्हीकल होने के नाते यहाँ पे आपको एक फ्री फायर जो इंस्ट्रक्शंस का आपको देखने को मिलता है वो ये आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे दो सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, हालांकि एडजस्टेबल सीट के साथ हेडरेस्ट के साथ ये गाड़ी सीट नहीं आती है, ना ही आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो, ना ही आगे या पीछे कर सकते हो इस सीट को। नॉर्मल सी सीट्स आपको इसमें देखने को मिलती हैं। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन विद रिवर्स, और रिवर्स में भी कोई आपको रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर्स आपको नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट देखने को मिलता है डैशबोर्ड में, और यहाँ पे आपको जो है अगर आपको हैजार्ड लैंप ऑन करना है इस गाड़ी का, तो यहाँ पे आपको इसको अपनी तरफ खींचना होगा, तो वैसे ही ये ऑन हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको वाइपर के टॉगल्स आपको देखने को मिलते हैं, और बात करें तो यहाँ पे आपको लाइट्स के टॉगल्स राइट साइड में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है टाटा का ब्रॉड सा लोबो स्टेयरिंग में ऑफर किया गया है, और दो आपको यहाँ पे जो है वो हॉर्न आपको देखने को मिलते हैं। को ड्राइवर साइड आपको एक ग्रैब हैंडल जो है वो देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे जो है IRVM दिया गया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये एक आपको केबिन लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सनशेड दिया गया है विद टिकट होल्डर, और ये ड्राइवर साइड की मैं बात कर रहा हूँ, सनशेड दिया गया है विद टिकट होल्डर। और बात करें तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड कोई भी सनशेड आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी सीट बेल्ट्स आपको यहाँ पे ज़रूर दी गई हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सीट बेल्ट कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दी गई हैं, हालांकि सीट बेल्ट वार्निंग ज़रूर इस गाड़ी में आती है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे हेडलैम्प के लेवलर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं,
आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर जो है, थ्री ब्रेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, आई मीन यहाँ पे आपको क्लच देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ब्रेक देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको एक्सीलरेटर का आपको जो फंक्शन है वो देखने को मिल जाता है। एक यूनिट जो है वो अलग से ही इंक्लूड की गई है, और यहाँ पे एक आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। टाटा एस गोल्ड की अगर लेंथ की बात करें ओवरऑल हम, तो यहाँ पे आपको 4075 mm की ह्यूज लेंथ जो है वो गाड़ी की देखने को मिलती है। विड्थ की बात करें तो 1500 की आपको विड्थ देखने को मिलती है। हाइट की बात कर लें तो 1840 mm की इस गाड़ी की जो हाइट है वो आपको देखने को मिलती है। वहीं अगर व्हील बेस की बात कर लें तो 2250 mm का जो है वो आपको व्हील बेस इस गाड़ी का देखने को मिलता है। और बातें करते हैं, गाड़ी के बाहर चलते हैं, बाहर से हम आपको इसके बूट स्पेस के बारे में भी हम आपको इसकी जानकारी ज़रूर देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर हमारे पहली बार हो तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी और भी कोई क्वायरीज हैं तो हमको आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर ज़रूर फॉलो कर लें। टाटा एस गोल्ड की अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में जो सस्पेंशन आपको दिए गए हैं वो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग के आपको यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन है वो फ्रंट में आपको देखने को मिलते हैं। वहीं रेयर पे बात कर लें तो रेयर में आपको सेमी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। बाकी पे लोड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 640 kg की एज पर कॉमर्शियल व्हीकल सेस 640 kg की आपको यहाँ पे जो फ्यूल जो आपको पे लोड कैपेसिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी 18 kg का जो है यहाँ पे टैंक फ्यूल लीड कैपेसिटी वो आपको देखने को मिल जाती है। बात करें अगर लीटर्स में तो 105 L की आपको यहाँ पे जो है वो फ्यूल लीड कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है टाटा एस गोल्ड की। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखो और हमारी वीडियो को इन्जॉय करते रहो। टिल देन पीस।